मैं लकी पाल दिल्ली से हूँ और मैंने कुंभक ज्वाइन किया था 3 महीने पहले। और मेरी कुंभक की जर्नी क्या बताऊँ, मैं बहुत लेजी हो गई थी। थायराइड की वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज थे मेरे को। सबसे बड़ा तो मेरे को डाइजेस्टिव इश्यूज, गट इश्यूज बहुत थे। ब्लोटिंग होती थी, एसिडिटी होती थी, कुछ भी नॉर्मल भी खा लूँ तो बहुत ज्यादा मेरे को मतलब नहीं बेयर हो पाती थी। और पहले मतलब ये पूरा सिर दर्द होता था, आंखों के ऊपर प्रेशर लगता था और सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज थे। मतलब बॉडी में पेन थे और ऐसा लगता था कि मेरे को कोई काम नहीं करना है। बहुत लथार्जी फील होता था मुझे, काफी मल्टीपल इश्यूज थे मेरे को। तो मैंने ऐसे सोच के ज्वाइन नहीं किया था कि मेरे को मतलब बहुत अच्छा मतलब वो मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत मतलब इसमें मेरे को बहुत सारा वो मिलेगा। मैंने मतलब ट्रस्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ मिलेगा या ऐसी ऐसी कोई बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मुझे लगा था कि नॉर्मली जैसे योगा होता है, जैसे सब कुछ बाकी की चीजें होती है वैसे ही है। क्योंकि मैंने पहले बहुत जिम वगैरह ज्वाइन किए थे तो मुझे बहुत टॉर्चर लगता था जिम वगैरह ज्वाइन करके मतलब अपने आप को। बट अब तो ड्रास्टिक चेंज आए हैं। मैं कह सकती हूँ 50% to 60% मेरे जो गट इश्यूज थे वो मतलब चले गए हैं। अब मुझे ऐसे मतलब बर्प्स आते थे बहुत ज्यादा, एसिडिटी, ऐसा लगता था मैंने खाया है तो बस अब यहाँ तक आ गया है। बाकी मेरा सर्वाइकल इश्यू बहुत, मैं कह रही हूँ 80% to 90% मेरा सर्वाइकल इश्यूज मतलब में रिलीफ आया है। और बाकी तो मुझे लगता है कुंभक करने के बाद ऐसा लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुंभक करने के बाद मतलब ये हुआ कि आपने कुछ लाइट ऐसा किया है? कुंभक इज मतलब बहुत एनर्जाइजिंग होता है और कुंभक करने के बाद आपको पूरा मतलब पसीना आ जाता है, तो मतलब आप स्वेट करने लगते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप लाइट वेट लाइट फील कर रहे हो। वैसे आप जिम करते हो या और कोई एक्सरसाइज करते हो तो ऐसा लगता है कि टॉर्चर है, बट कुंभक करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत लाइट फील होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा वे ऑफ लिविंग ही मेरा चेंज हो गया है सुनने को। और स्वामी जी के कुछ वीडियोस देखे और सुने तो बहुत इंस्पायरिंग रहे और मैं ये जर्नी आगे कंटिन्यू डेफिनेटली करना चाहूंगी और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है ये। और ये जर्नी बहुत अच्छी रही मेरे लिए, मैं आगे डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। मेरी अर्ज कम हुई है, मतलब जैसे मैं चाय बहुत ज्यादा चाय पीती थी और मेरी मैं फूडी भी थी बहुत ज्यादा। अब बीच बीच में कुछ ना कुछ मंचिंग वगैरह करने के लिए मन करता था, बट अब मेरी फूडिंग मतलब फूड की अर्ज कम हो गई है। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीच बीच में कुछ भी खा ले रही हूँ। मैं नहीं भी खाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत भूख लग रही है मतलब। और चाय तो मेरी बहुत कम हो गई, मैं बहुत चाय पीती थी। मैंने चाय बिल्कुल, अब मैं मॉर्निंग में भी मेरा मन नहीं करता है, एज इन लाइक वो पी लिया एक ब्रेकफास्ट के साथ वो एक अलग बात है, बट मेरा बिल्कुल अब मन ही नहीं करता कि मैं चाय नहीं पीऊँ। तो पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार चाय नहीं पी तो मेरे को हेडेक्स हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों में मेरे को बहुत रिलीफ मिला है।